खबर चित्तौड़गढ़ जिले कपासन विधानसभा में महंगाई राहत कैंप का किया अवलोकन। इसमें शिविर में कई महिलाओं एवं ग्रामीणों से हुआ रूबरू, जबकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निम्बाहेड़ा से 2:52 पर हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर कपासन 3:06 पर हेलीकॉप्टर लैंड किया। माध्यमिक विद्यालय के पास से हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर हेलीकॉप्टर से उतरते ही रोड के किनारे काफी संख्या में ग्रामीण खड़े थे। हाथ हिलाकर गहलोत जिंदाबाद के नारे कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों से गुंजमान कर दिया, जिसमें गहलोत ने ग्रामीणों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और गहलोत ग्रामीणों के बीच पहुंच गए, जबकि हेलीपैड पर चारों तरफ गहलोत का इंतजार कर रहे थे। हेलीपैड पर सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जगपुरा, कपासन प्रधान भैरूलाल चौधरी ने गुलदस्ता एवं उपरना पहनाकर स्वागत किया एवं कई वर्षों से आकोला में नगर पालिका खोलने की मांग की जा रही थी। अब आकोला में नगर पालिका खोलने की मांग पूरी हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने पूर्व विधायक भंवरलाल बेरवा ने रखी मांग, गहलोत ने की घोषणा। वेरी गुड। अच्छा, मुझे अच्छा लग रहा है आप सबका इलाज भी है या बेनिफिट मिला आपको, सबको फ्री मिला है इलाज भी। सर इसमें कुछ लोग हैं जिनका इलाज हुआ चिरंजीवी में सर, और 5 लाख से ऊपर वाले सर ये फ्रंट की लाइन में बैठे हैं। और तीसरा है कपन उपखंड मुख्यालय पर कैंप कोर्ट को नियमित पीडीए कोर्ट की स्वीकृति, वो लोग मांग कर रहे होंगे, इसको मैं घोषणा करता हूँ कि हाईकोर्ट ने कोई हाईकोर्ट पूछना पड़ता है, हाईकोर्ट तैयार होगा तो हम सरकार उसमें तैयार रहेगी, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। बाकी